हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुहेल दलाल फ्रॉम संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत, और आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा में। हमारे डिसीज़ के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज का हमारा टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसको ज़रूर से शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर लंबर स्पॉन्डिलोसिस। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस मतलब हमारी जो कमर है, जो बैक है, उसमें नस का दबना। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे पीठ में रीढ़ की हड्डी आई हुई है। ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर यहाँ पे ब्रेन लगा हुआ है। ये रीढ़ की जो पूरी हड्डी है ऊपर से नीचे तक, इसको मेडिकल टर्म्स में स्पाइन भी कहा जाता है। ये 33 वर्टिब्रा से जुड़ी हुई एक पूरी कॉलम है, पूरी स्पाइन है, जिसके बीच में से पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई मिलती है जिससे हम हमारे काम कर सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, हमारी जो गर्दन की जो वर्टिब्रा है, यहाँ पे 7 हैं, एक के ऊपर एक करके 7 वर्टिब्रा हमारी गर्दन के एरिया में है। अगर वो जो 2 वर्टिब्रा है उसमें से 2 वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर वर्टिब्रल स्पेस कहते हैं। उसके बीच में कुशन मतलब गादी जैसी चीज़ होती है। अगर कुछ कारण की वजह से ये 2 जो वर्टिब्रा है, 2 जो मणके हैं, अगर उसके बीच का गैप स्पेस कम हो जाता है तो उसके बीच में से जो नस पसार होती है, जो नस वहाँ से पास होती है, वो उस पर कंप्रेशन आता है, उस पर दबाव आता है। वो दबाव आने की वजह से पेन होता है। उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं मैं आपको बता दूँ। अगर हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस की बात करें तो हमारा जो कमर का पोर्शन है उसमें 5 वर्टिब्रा है, L1, L2, L3, L4, L5। जैसे सर्वाइकल में C1 से लेके C7 तक, उसी तरह लंबर में, कमर में L1 से लेके L5 तक। अगर इन कमर के जो वर्टिब्राज हैं उसके बीच में अगर 2 वर्टिब्रा के बीच में स्पेस कम हो जाए और वहाँ की नस अगर दबेगी तो क्या होगा, सबसे पहले बैक पेन होगा, झुकने में कंटिन्यूस खड़े रहने में तकलीफ होगी। फिर ये जो पेन है इस तरह से लंबर के पोर्शन से शुरू होकर यहाँ से जो हमारा हिप है, हिप रीजन से लेके नीचे तक जाते हुए पैरों की उंगलियों तक भी ये पेन जो है ये महसूस हो सकता है। इसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस कह सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया लंबर स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। अब देखते हैं कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस ये होने के क्या कारण होते हैं। ये स्पॉन्डिलोसिस होने के सबसे मेन कारण जो है वो इररेगुलर पोस्चर में बैठना है। मतलब हमारी बैठने की स्टाइल, अगर पैर के ऊपर पैर चढ़ाना या तो हाथों को कंटिन्यूस एक मूवमेंट में रखना, जैसे गृहिणी होती है, हाउसवाइफ्स होती है, वो कंटिन्यूस एक मूवमेंट में काम करते रहते हैं। क्लेरिकल वर्क, क्लेरिकल जॉब वाले लोग होते हैं, कुछ लोग आज के टाइम में ज़्यादातर लोग जो है वो लैपटॉप या पीसी के सामने घंटों एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, उसकी वजह से, या तो कोई भारी सामान, भारी वजन को अचानक से जर्क से उठा लिया उसकी वजह से, और मोर कॉमनली 70-80% ओल्ड एज में ये चीज़ देखने को मिलती है, जिसमें बोन का स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से 2 वर्टिब्रा के बीच में डीजनरेटिव चेंजेस आने की वजह से भी ये हो सकता है। तो दोस्तों, ये कारण है लंबर स्पॉन्डिलोसिस होने के। अब जब आप एक एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपका एक्सरे करवाते हैं, MRI करवाते हैं, और उससे डायग्नोसिस होता है कि आपको लंबर का स्पॉन्डिलोसिस है। अब अगर कमर में है तो यहाँ पे पट्टा बांधने दे दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ पेन किलर्स, कुछ नस को एक्टिव करने की दवाइयाँ, कुछ सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन B12, D3 और ऐसे विटामिन सप्लीमेंट्स भी साथ में, या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे। अगर कैल्शियम या विटामिन की उन कमी होने की वजह से अगर ये तकलीफ हुई है तो वो क्योर हो सकती है। अब दोस्तों, हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में इस रोग का हजारों साल पहले उल्लेख किया गया है, जिसमें हम जो कमर का दर्द है उसको कटिग्रह बोलते हैं। आयुर्वेदा में इसके मेन कारणों में बताया गया है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग या बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत हैवी वेट को उठा लेना, या तो वायु को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे तीखी वगैरह चीज़ें ज़्यादा खाना, या तो एक इररेगुलर पोस्चर में बैठना, दोनों के एलोपैथी और आयुर्वेदा के कारण जो हैं वो दोनों के मैच करते हैं, एक जैसे ही कारण हैं। अब आप जब आयुर्वेद के द्वार पर लंबर स्पॉन्डिलोसिस को लेकर आते हैं, आप निश्चिंत हो जाएं, आयुर्वेदा में इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आयुर्वेदा में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं कि जिससे स्पॉन्डिलोसिस को आराम से ठीक किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो आप घरेलू उपचार के तौर पर ले सकते हैं। जैसे किसी को लंबर का प्रॉब्लम है तो वो महाराष्ट्रनादी काढ़ा,
सुबह शाम 15 से 20 ml खाली पेट गर्म गुनगुने जल के साथ ले सकते हैं। और नगोड़ घनवटी निर्गुंडी टैबलेट बोलते हैं जिसको, ये सुबह दोपहर शाम दो दो खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इससे पेन में काफ़ी रिलीफ होती है। अगर ये उपचार से फ़ायदा ना हो तो नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक को आप जरूर जाकर मिले। आयुर्वेदा में पंचकर्म ट्रीटमेंट में भी स्पॉन्डिलोसिस का बहुत ही अच्छे से इलाज होता है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए कटिबस्ती एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है, जिसमें कमर के एरिया में गर्म तेल को रखा जाता है कि जिससे वहां से पेन और नमनेस कम हो जाती है। तो दोस्तों, पंचकर्मा ट्रीटमेंट के माध्यम से भी हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस से निजात पा सकते हैं। हमारे पास डे बाय डे प्रैक्टिस में स्पॉन्डिलोसिस के रोज बहुत सारे केस आते हैं और उन लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं आपको अवगत कराऊंगा, एक ऐसे पेशेंट से मिलवाऊंगा कि जिनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस था और आयुर्वेदा से उनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस ठीक हुए हैं। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग रेगुलरली, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो, मैं सेजल कापड़िया, मुझे बैक में पेन हो रहा था, उसकी वजह से मेरे लेफ्ट लेग में ब्लड सर्कुलेशन जैसे बंद हो गया था, वैसे फीलिंग आ रही। मैं पहले भी सोहेल भाई की दवाई करती थी, इसलिए मुझे सोहेल भाई का नाम सबसे पहले स्ट्राइक हुआ और मैंने किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया। आई स्ट्रेट अवे केम टू सोहेल भाई एंड उन्होंने मुझे दवाई दी और 15-20 दिन में मुझे बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर एंड अ वेरी गुड गाइड।